जिन्ने हारे चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी में। कहते हैं खूबसूरती ढेरों सितम करती है, लेकिन मधुबाला तो उन्हीं सितम का खुद ही शिकार हो गई। रूप की रानी दुनिया जहां के सितम को सह ना सकी और 36 की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नैना कजरा रे बेदाग मोहक स्वरूप अधर मानो कमल के फूल, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदाग दुनिया से अलविदा ले लिया। दिल में तो छेद था ही, उस पर अधूरे इश्क की तड़प इनके सीने को मानो छलनी कर गई और फिर दुखों का सैलाब कम हुआ ही नहीं। मधुबाला के बारे में बात करें तो यह हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री में से एक थी। कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल करके इन्होंने लोगों के दिल में अच्छा मुकाम बनाया था। मधुबाला ने भारतीय सिनेमा में 1942 से 1960 के बीच अच्छा काम किया था। इस बीच इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं। अभिनय के साथ लोगों में इनकी सुंदरता को लेकर भी अच्छे विचार थे। यह बहुत सुंदर अभिनेत्री थी। मधुबाला को उनकी जिंदगी और अभिनय के लिए विनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों की उपमा दी गई थी। इन्होंने महल, अमर, मिस्टर एंड मिस 55, बरसात की रात, मुगले आजम जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई थी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को भारत की राजधानी दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज जहन देहलवी था। फिल्म नीलकमल के बाद इनका नाम मुमताज से मधुबाला पड़ गया था। पिता का नाम अताउल्ला खान था तथा वालिदैन का नाम आयशा बेगम था। इनके वालिद तत्कालीन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के रहने वाले थे। इनके पिता की 11 संतानें थी जिसमें से मधुबाला 5वें स्थान पर थी। बताया जाता है कि इनके पिता एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। नौकरी छूट जाने के बाद इनके पिता मुंबई चले गए थे जहां मधुबाला ने जन्म लिया। बताया जाता है कि 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई मारे गए थे। घर के बाकी लोग लोकल सिनेमा देखने गए थे इसलिए वे बच गए। यह समय इनके परिवार के लिए बहुत दुख का समय था। इसके बाद जीवन जीने के लिए आगे कुछ करना था, इसीलिए मधुबाला के पिताजी उनको 9 वर्ष की आयु से ही बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को भी काम मिलने लग गया जिससे उनके गरीबी के दिन छटने लगे। 9 साल की उम्र से ही मधुबाला फिल्मों में काम करने लगी थी। इनकी पहली सफल फिल्म 1942 में आई फिल्म बसंत थी। यह फिल्म बहुत सफल हुई, यही से लोग इनको जानने लगे थे। अभिनेत्री देविका रानी भी इनके अभिनय से बहुत खुश हुई थी। 1947 में आई फिल्म नीलकमल में मैं 14 साल की उम्र में ही मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया था। इनके फिल्मी करियर में अच्छा समय 1949 के दौरान आया जब इनकी बॉम्बे टॉकीज बैनर तले महल मूवी आई। पहले इसमें मशहूर अभिनेत्री सुरेया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमल अमरोही ने मधुबाला को ही चुना था। यह फिल्म उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म मानी गई। इसके बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्मों में अभिनय किया। मधुबाला ने उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद आदि के साथ काम किया। उसी समय की फेमस हीरोइनें जैसे कि गीता बाली, सुरैया, निम्मी के साथ भी उन्होंने काम किया। 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता बनी। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ साथ अदायगी भी की थी। 1950 तक इन्होंने सभी तरह की फिल्मों में अपना अभिनय बिखेरा। लोग इनके काम को खूब सराहने लगे थे। इसी साल आई हुई फिल्म हंसते आंसू एक ऐसी मूवी बनी जिसने पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट दिलवाया। इसके बाद उन्होंने एक सोशल ड्रामा कल हमारा है किया था। 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई। गुरुदत्त की फिल्म
हावड़ा ब्रिज भी बहुत अच्छी रही। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कार्बेट गायिका की भूमिका में नजर आई थी। गीत आइए मेहरबान इसी फिल्म का गाना था, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। मुगले आजम इनके जीवन की सबसे बड़ी और सफल मूवी मानी जाती है। इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड बनाए थे। इसमें काम करना मधुबाला के जीवन का बहुत अच्छा समय था। इन्होंने इस फिल्म में जी जान लगाकर काम किया था। इनके इस अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधे रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने लगी थी। फिर भी इनके काम में कोई रुकावट नहीं आती थी। 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद यह फिल्म बनी और दुनिया के सामने आई। इसने लगभग 15 साल तक रिकॉर्ड बनाए रखा। 14 वर्ष में बहुत लोगों ने फिल्में की, मगर कोई इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ ना सका। 1975 में अमिताभ बच्चन की आई हुई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट भी दुनिया के सामने आने लगी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी। इनके रिश्ते की शुरुआत फिल्म ताराना से मानी जाती है। धीरे धीरे इनके रिश्ते मजबूत होते रहे। ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, मगर मधुबाला के पिता को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। पिता के मना करने पर मधुबाला ने इस रिश्ते को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। बाद में मधुबाला की शादी 1960 में किशोर कुमार के साथ हुई। इसके लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, अपने नाम के आगे करीम अब्दुल लगा दिया था। परंतु इस शादी को मधुबाला स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। इसी समय इनको एक भयंकर रोग हो गया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इलाज के लिए दोनों लंदन चले गए थे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि अब वह केवल 2 साल तक ही जीवित रह सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को यह कहकर उनके मायके छोड़ दिया कि वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत इलाज और डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि इनके दिल में एक छेद है। यह जानकारी सिनेमा जगत से छिपा कर रखी गई थी। इस बीमारी से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और यह अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए। उन्होंने बताया कि अब वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकती है। 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के जरिए सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, मधुबाला के बारे में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल?